आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स वेरी काइंड ऑफ यू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखें। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे जॉब ऑफर किया। आप बोलते हैं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर मी द जॉब। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर मी द जॉब। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरी मदद करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप बनाते हैं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करके दिखाओ, मतलब अब जाकर दिखाओ, या फिर अब यहाँ लिखकर दिखाओ, या फिर अब खेलकर दिखाओ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शो मी टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब यहाँ आकर दिखाओ। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हो बच्चे को डांटने के लिए। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इफ़ यू हैव गट्स नाउ शो मी टू कम हियर। If you have guts, now show me to come here. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अब दीवार पर लिख कर दिखाओ। कई बच्चे दीवार पर लिखने लगते हैं तो आप उन्हें डराते हुए ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, If you have courage, now show me to write on the wall. If you have courage, now show me to write on the wall. आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, अब मैं वापस नहीं करूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर बेटर और फॉर वर्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप बना सकते हैं, For better or for worse, I will not go there. For better or for worse, I will not go there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं वापस करने नहीं जाने वाला हूँ। गाइस, आप कुछ चीज़ खरीद लेते हैं और आप ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, For better or for worse, I am not going to return. For better or for worse, I am not going to return. आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सरासर बर्बादी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह तो पैसे की सरासर बर्बादी है, या फिर यह समय की सरासर बर्बादी है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शेयर वेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, यह तो पैसे की सरासर बर्बादी है। आप बनाते हैं, What is the need of buying such an expensive phone? It's a sheer waste of money. What is the need of buying such an expensive phone? It's a sheer waste of money. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इतना देर मोबाइल पर गेम खेलने से क्या फ़ायदा, यह सरासर समय का बर्बादी है। आप बोलते हैं, What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप would have never guessed that का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना अच्छा गाएगा, है ना। आप बोलते हैं, आई वुड हैव नेवर गेस्ड डैट ही वुड सिंग सो वेल। आई वुड हैव नेवर गेस्ड डैट ही वुड सिंग सो वेल। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, वह ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गाइस, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते ही हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई वुड हैव नेवर गेस्ड डैट ही वुड डू सो। गाइस, आप गेस्ड के जगह
थॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई वुड हैव नेवर थॉट डैट ही वुड डू सो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस सच के बावजूद भी, है ना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, इस सच के बावजूद भी कि वह बदमाश हैं तुम उसके साथ क्यों गए। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट द फैक्ट डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, इस सच के बावजूद भी कि वह बदमाश हैं तुम उसके साथ क्यों गए। आप बनाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ विकेट वाई डिड यू गो विद हिम। डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ विकेट वाई डिड यू गो विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इस हकीकत के बावजूद भी कि वह मेरा बेटा नहीं है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बना सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ नॉट माई सन आई लव हिम सो मच। डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ नॉट माई सन आई लव हिम सो मच। जी भर के, कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं जाओ जी भर के खेलो या फिर जी भर के खाओ। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू योर हार्ट्स कंटेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, जाओ जी भर के खेलो आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट आई विल नॉट स्टॉप यू टूडे। गो प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट आई विल नॉट स्टॉप यू टूडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जी भर के खाओ पैसे की चिंता मत करो मैं पैसे दे दूंगा। आप बना सकते हैं ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट डोंट वरी अबाउट मनी आई विल पे। ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट डोंट वरी अबाउट मनी आई विल पे। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं था। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरा यह करने का मन नहीं था या फिर मुझे जाने का मन नहीं था या फिर मेरा यह खाने का मन नहीं था। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वॉज नॉट इन अ मूड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था इसीलिए मैंने जाने से मना कर दिया। आप बोलते हैं आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू गो देयर सो आई रिफ्यूज्ड टू गो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा खाने का मन नहीं था इसीलिए मैंने नहीं खाया। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट डैट्स वाई आई डेंट ईट। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू ईट डैट्स वाई आई डेंट ईट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरी शिद्दत से। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद माइट एंड मेन का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे He does with might and main whatever he does. That's why everyone likes him. He does with might and main whatever he does. That's why everyone likes him. आप चिंता मत करो मैं इस काम को पूरी शिद्दत से करूँगा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे You don't worry. I will do this work with might and main. You don't worry, I will do this work with might and main. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के हैसियत से। कई बार हम लोग इस तरह बोलते हैं दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्पीकिंग एज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें यह पाप नहीं करने दूंगा। आप इंग्लिश में बना सकते हैं स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस सिन। स्पीकिंग एज फ्रेंड आई विल नॉट लेट यू डू दिस सिन। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, शिक्षक के हैसियत से मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ। गाइस इस प्रकार से आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं स्पीकिंग एज टीचर
आई गिव यू दिस एडवाइस। स्पीकिंग एज टीचर आई गिव यू दिस एडवाइस। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हंसी आ रही है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, या फिर उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जांपल देखिए। उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है, वह बहुत फनी लग रही है। आप बोल सकते हैं, सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। सीइंग हर फेस आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, शी इज़ लुकिंग सो फनी। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो। आई एम बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर लिसनिंग योर मैटर, हाउ कैन समवन डू सो। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मानो या न मानो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मानो या न मानो, यह सच है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बिलीव इट और नॉट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानो या न मानो, पर वह सच बोल रहा है, मैंने भी उसे वहाँ देखा है। बिलीव इट और नॉट, बट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, इवन आई हैव सीन हिम देयर। बिलीव इट और नॉट, बट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, इवन आई हैव सीन हिम देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मानो या न मानो, पर यह सच है, तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। आप बना सकते हैं गाइस, बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत हो गया अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर बहुत हो गया अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनफ इज इनफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत हो गया अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। कई बार आप ऐसे गुस्से में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इनफ इज इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग। इनफ इज इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत हो गया तुम बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुनो। आप बना सकते हैं, इनफ इज इनफ, यू स्पोक टू मच, नाउ लिसन टू मी। इनफ इज इनफ, यू स्पोक टू मच, नाउ लिसन टू मी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं खाना खाकर आया हूँ, या फिर मैं नहाकर आया हूँ, या फिर मैं उसे समझाकर आया हूँ, मतलब कुछ करके आया हूँ। अगर आप बोलते हैं तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड कम का यूज़ करना है। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नो आई कांट ईट, आई हैव जस्ट ईटन द फूड एंड कम। नो आई कांट ईट, आई हैव जस्ट ईटन द फूड एंड कम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या आपने नहा लिया। कई बार आप पूछते हैं तो रिप्लाई में आप ऐसे बोलते हैं, मैं जस्ट नहाकर आया हूँ, है ना। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हैव यू टेकन अ बाथ, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ एंड कम। हैव यू टेकन अ बाथ, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ एंड कम। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इतनी मेहनत से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और आपने खाया भी नहीं, या फिर इतनी मेहनत से पापा कमाते हैं और तुम उड़ा देते हो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट एफर्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जांपल देखिए, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और आपने खाया भी नहीं। आई कुक्ड मील विद ग्रेट एफर्ट एंड यू डिड नॉट इवन ईट इट। आई कुक्ड मील With great effort and you did not even eat it. इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर भी वीडियो वायरल नहीं होती।
आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं। आई मेक वीडियो विद ग्रेट एफर्ट, हाउएवर वीडियो डजंट गेट वायरल। आई मेक वीडियो विद ग्रेट एफर्ट, हाउएवर वीडियो डजंट गेट वायरल। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वो सब तो ठीक है पर, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो सब तो ठीक है पर मुझे पता नहीं था, या फिर वो सब तो ठीक है पर मैं आ नहीं सकता हूँ। ऐसे ही हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डैट्स ऑल फाइन बट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वो सब तो ठीक है पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। आप बोल सकते हैं डैट्स ऑल फाइन बट आई कैन नॉट लेट यू गो इन, डैट्स ऑल फाइन बट आई कैन नॉट लेट यू गो इन। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वो सब तो ठीक है पर मैं आज नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं डैट्स ऑल फाइन बट आई कांट कम टूडे बिकॉज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क, डैट्स ऑल फाइन बट आई कांट कम टूडे बिकॉज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, क्या कमी है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझ में क्या कमी है, या फिर यहाँ क्या कमी है, या फिर इसमें क्या कमी है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट इज लैकिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या कमी है। आप पूछते हैं आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट, व्हाट इज लैकिंग इन इट। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट, व्हाट इज लैकिंग इन इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं, व्हाट इज लैकिंग इन मी, व्हाई डोंट पीपल लाइक मी। व्हाट इज लैकिंग इन मी, व्हाई डोंट पीपल लाइक मी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मैं उनमें से नहीं हूँ जो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करते हैं और करते कुछ नहीं हैं। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम नॉट वन ऑफ दोज का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करता हो, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आप बोलते हैं इसे इंग्लिश में आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु ओनली टॉक, आई डू व्हाट आई से। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु ओनली टॉक, आई डू व्हाट आई से। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपकी बात मानता हो, मैं अपने मन की करता हूँ। आप बना सकते हैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु एग्री विद यू, आई हैव माई ओन वे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु एग्री विद यू, आई हैव माई ओन वे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।